नमस्कार, सत्यहिंदी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केरल सरकार नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इससे पहले 31 दिसंबर को केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि वो इस कानून को वापस ले। मोदी सरकार ने केरल सरकार की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता कानून का विरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने वाला केरल पहला राज्य है। दिल्ली की 30,000 अदालत में आज चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील को फटकारते हुए कहा कि भीम आर्मी चीफ का विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, धरना देने में गलत क्या है, विरोध करने में क्या गलत है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजक के लिए विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। अब याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें, भीम आर्मी चीफ को 21 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध में शामिल होने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के सभी लोगों को बुलाने और उनके फोन जब्त करने का निर्देश दिया है। बता दें, जेएनयू हिंसा को लेकर विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसरों ने याचिका दायर की थी, जिसमें हिंसा को सुनियोजित और संगठित बताया था और कहा था कि इसकी पूरी योजना व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बना ली गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एप्पल, गूगल और व्हाट्सएप को इस घटना से संबंधित डेटा को संरक्षित करने का निर्देश दिया था। हालांकि व्हाट्सएप का ये कहने के बाद कि वो लोग डेटा को सर्वर पर स्टोर नहीं करते हैं, इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के सभी लोगों को बुलाकर उनके फोन जब्त करने का निर्देश दिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाएं पिछले 15 दिसंबर से धरने पर बैठी हैं। इस कारण नोएडा और दिल्ली का रास्ता बंद है। इस रास्ते से प्रदर्शनकारियों को हटवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई तो की, लेकिन कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे जनहित और कानून व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया सत्या नाडेला द्वारा नागरिकता कानून के बारे में बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने नाडेला को लेकर कहा है कि यह एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक साक्षर को शिक्षित होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून का सटीक उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों को अवसर प्रदान करना है। बता दें, सत्या नाडेला ने नागरिकता कानून पर कहा था कि जहां तक मैं समझता हूं, यह दुखद है, बुरा है। मैं ये देखना पसंद करूंगा कि कोई बांग्लादेशी प्रवासी भारत आकर अगला यूनिकॉर्न स्थापित करे या फिर इन्फोसिस का अगला CEO बने। निर्भया के दोषियों विनय शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा डेथ वारंट जारी होने के बाद दोनों दोषियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि पटियाला हाउस अदालत ने 22 जनवरी को दोषियों को फांसी पर लटकाने का डेथ वारंट जारी किया था। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी जानलेवा साबित हो रही है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन के कारण 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं एक जवान अभी भी लापता है। माछिल सेक्टर में सेना की कई चौकियां हिमस्खलन की चपेट में आई हैं। आतंकवादियों को कार में ले जाते हुए गिरफ्तार हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP देवेंद्र सिंह से पूछताछ में पता चला है कि वे लंबे समय से इन आतंकियों के संपर्क में थे। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि वे 2018 में भी इन आतंकियों को लेकर जम्मू गया था। यही नहीं, वह आतंकियों को अपने घर में पनाह भी देता था। जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल देवेंद्र और उसके साथ पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया पिछली बार मिली सीरीज में हार का बदला लेना चाहेगी। पिछले साल मार्च 2019 में भारत को अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के सबसे उम्दा बल्लेबाजों में शुमार जहीर अब्बास ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं और वो शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देखने में मजा आता है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जब क्रीज पर होते हैं तो वह TV सेट के सामने से नहीं हिलते, उसे खेलते देखना लाजवाब अनुभव है। मैं इस बात का मुरीद हूँ कि वह मनचाही जगह पर शॉट खेल लेता है, वह इतनी जल्दी गेंद को पकड़ लेता है जो खास है। मराठा सरदार तानाजी मालुसरे के जीवन पर बनी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग काफी पहले से की जा रही थी, जिसे मान लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।